दिल्ली कैपिटल्स ने बिगाड़ दिया प्लेऑफ का समीकरण। क्या मैच फिक्सिंग के शिकार हुए संजू सैमसन? आखिर आईपीएल से क्यों उठने लगा लोगों का भरोसा? आईपीएल 2024 में आज सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर लखनऊ सुपर जायंट से होगी। प्लेऑफ के नजरिए से यह मुकाबला काफी अहम है, क्यों बताएंगे आपको, लेकिन पहले संजू सैमसन के साथ हुई बेईमानी की कहानी जानिए। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराकर उलटफेर कर दिया। आप सोच रहे होंगे इसमें उलटफेर की क्या बात है, तो इसका सीधा कनेक्शन राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन से जुड़ा है। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसमें सबसे अहम योगदान रहा टीम के ओपनर जैक फ्रेजर मैगर और अभिषेक पोरेल का। फ्रेजर ने 250 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 20 बॉल में 50 रन जड़ दिए, 7 चौके और 3 छक्के लगाए। जैक फ्रेजर मैगर्क ने आवेश खान के एक ही ओवर में 4 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए कुल 28 रन बटोर दिए, जबकि अभिषेक पोरेल ने 36 बॉल में 7 चौके और 3 छक्के जड़ते हुए 65 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 3 चौके 3 छक्के के साथ 20 बॉल में तेज 41 रन बना दिए, जबकि राजस्थान के लिए आर अश्विन ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मैच 24 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए। इसके बाद बारी थी राजस्थान रॉयल्स की, जिसे 222 रन का स्कोर चेस करना था। जयसवाल के जल्दी आउट होने के बाद मोर्चा संभाला टीम के कप्तान संजू सैमसन ने, जो आईपीएल 2024 में बेहतरीन फॉर्म में है। शुरुआत से ही संजू सैमसन लय में दिखे और दिल्ली के सभी गेंदबाजों पर जमकर बरसे। जिस तरह संजू खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम 222 रन के विशाल लक्ष्य को हो सकता है 20 ओवर के पहले ही चेस कर ले। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंकाया ही, साथ इस खेल पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मुकेश कुमार की गेंद पर 16वें ओवर में संजू ने हवा में एक बड़ा शॉट खेला, जिसे लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री रोप पर मौजूद शाई ओप ने लपक लिया। अंपायर ने तो इसे आउट करार दे दिया, लेकिन संजू सैमसन और राजस्थान की पूरी टीम इस फैसले के खिलाफ हो गई। इसके बाद थर्ड अंपायर ने भी सैमसन को आउट करार दिया। हालांकि वीडियो रिप्ले के कुछ एंगल देखने पर ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद बाउंड्री रोप को टच कर रही थी, इसलिए सैमसन भी यकीन नहीं कर पाए और अंपायर से बहस करने लगे। राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में भी हलचल होने लगी, लेकिन संजू सैमसन को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। संजू सैमसन ने 46 बॉल में 86 रन की तूफानी पारी खेली, 8 चौके 6 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट करीब 187 का रहा। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा। राजस्थान 20 ओवर में 201 रन तक ही पहुंच सकी और मुकाबला 20 रन से हार गई। संजू के विकेट के फैसले को लेकर बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के फैंस बेकाबू हो गए। किसी ने लिखा कि संजू के साथ बेईमानी हो गई, तो किसी ने इसे मैच फिक्सिंग करार दे दिया। लेकिन संजू जिस तरह आउट हुए और जिस समय आउट हुए, वहां से मैच पूरी तरह पलट गया, क्योंकि इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के दो फिनिशर ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर चोट के कारण नहीं खेल रहे थे, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। संजू सैमसन को जिस तरह से आउट दिया गया, वो सही है या गलत, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हालांकि मैच के बाद संजू ने कहा कि ऐसी चीजें आईपीएल में होती रहती हैं। वहीं दिल्ली की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए। कुलदीप पारी का 18वां ओवर डालने आए, उस समय राजस्थान को जीत के लिए 41 रनों की दरकार थी, लेकिन कुलदीप ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन देकर डेब्यूटेंट फरेरा और आर अश्विन को आउट कर दिल्ली के पक्ष में मैच कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2024 में 12 मुकाबलों में ये छठी जीत है। टीम 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं राजस्थान को प्लेऑफ के लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान अगर दिल्ली को हरा देती तो उसके आगे क्यू यानी क्वालिफाई लिखा जाता। राजस्थान 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी है। दिल्ली का अगला मुकाबला 12 मई को आरसीबी से और राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 12 मई को ही सीएसके से भिड़ेगी। आईपीएल में आज राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट से होगी। दोनों टीमों ने इस सीजन 6-6 मुकाबले में जीत हासिल किए हैं, तो 5-5 मुकाबले में टीम को हार भी मिली है। एक नजर एसआरएच के 5 वीवीआईपी प्लेयर पर डालते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासेन, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार, ये 5 वीवीआईपी खिलाड़ी आज एसआरएच के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इन 5 खिलाड़ियों ने अब तक आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। पैट कमिंस का भी मिला जुला अब तक का आंकड़ा रहा है, हालांकि उन्होंने कप्तानी से हर किसी को प्रभावित किया है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के 5 वीवीआईपी खिलाड़ी की बात करें तो केएल राहुल,
मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, रवि विश्नोई और यश ठाकुर, ये पांच खिलाड़ी आज इन पर भी नजर होगी। इस सीजन अब तक ऑरेंज कैप आरसीबी के स्टार विराट कोहली के सिर पर है, जिन्होंने 11 मैचों में 542 रन बना दिए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 541 रन के साथ सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तीसरे पर 471 रन के साथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, चौथे पर 461 रन के साथ केकेआर के धुरंधर ओपनर सुनील नारायण और पांचवे पर सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड हैं, जिन्होंने 444 रन बनाए हैं। पर्पल कैप की बात करें तो मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह के पास है। बुमराह ने 12 मैचों में 18 विकेट लिए हैं 17 विकेट के साथ, हर्षल पटेल दूसरे 16 विकेट के साथ, वरुण चक्रवर्ती तीसरे, जबकि 15-15 विकेट लेकर टी नटराजन और अर्शदीप सिंह चौथे और पांचवें स्थान पर बने हैं। तो फिलहाल इतना ही। आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।